गाइज वेलकम बैक टू मिचन फिल्म्स, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा, इस वीडियो के अंदर हम मॉडिफाई करने वाले हैं अपने जाना के क्रैश गार्ड को, एक एडवेंचर क्रैश गार्ड बनाने जा रहे हैं। और अभी तक जितना मैंने रिसर्च किया है यूट्यूब पे, ये पहली ऐसी वीडियो है जिसके अंदर कोई क्रैश गार्ड को मॉडिफाई कर रहा है, जाना के क्रैश गार्ड को एडवेंचर क्रैश गार्ड बना रहा है। अभी तक अगर आप लोगों को पता होगा, एक ही क्रैश गार्ड आता है मार्केट में, लूबिया का एडवेंचर क्रैश गार्ड, जो पूरा टैंक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और नीचे इंजन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। बट वो है 7,000 रुपये का, जो कि मेरे को वर्थ ही नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक क्रैश गार्ड है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी को मॉडिफाई किया जाए और थोड़े से पैसे लगा के इसी को एक एडवेंचर क्रैश गार्ड बनाया जाए। तो चलिए पहले एक लुक देता हूँ आपको एडवेंचर क्रैश गार्ड की, जो मैंने बनाया है। तो ये है जी जाना का क्रैश गार्ड, जो मॉडिफाई होके एक एडवेंचर क्रैश गार्ड बन चुका है। एडवेंचर क्रैश गार्ड का मतलब है कि इसमें टैंक प्रोटेक्शन, इंजन प्रोटेक्शन सब कुछ इंक्लूडेड है, रेडिएटर प्रोटेक्शन, प्लस इसके ऊपर आप जैरी कैन, बैग्स कुछ भी माउंट कर सकते हैं। और ये एक साइड नहीं है, दोनों साइड ही मैंने सेम करवाया है। और इसके ऊपर जो है पुराना पेंट पूरा उतार दिया गया है, दोबारा से पाउडर कोटिंग हुई है कंप्लीट क्रैश गार्ड के ऊपर, और ताकि कहीं से भी पता ना लगे कि इसको मॉडिफाई किया गया है। पहले बात करते हैं कि मेरे को ऐसी रिक्वायरमेंट ही क्यों थी कि मेरे को अपने स्टॉक क्रैश गार्ड को मॉडिफाई करना पड़ा, जो कि जाना की तरफ से ऑलरेडी बहुत मजबूत आता है। तो मेरी रिक्वायरमेंट मेन ये थी कि मेरे को पेट्रोल जेरी कैन या टैंक या फ्रेम बैग्स माउंट करने थे अपनी राइड्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी राइड्स ऐसी होती है जहाँ पर पेट्रोल की कमी होती है या मेरे को कुछ एक्स्ट्रा सामान कैरी करना होता है, तो स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी थे। तो इस वजह से बहुत टाइम से मैं एक्सप्लोर कर रहा था अदर ऑप्शंस कि कैसे इसको किया जा सकता है, या कोई अलग से ही एक टैंक प्रोटेक्टर बनाया जा सके जिसके ऊपर मैं बैग्स या जेरिकैन माउंट कर पाऊँ। बट मेरे को कोई ऐसा ऑप्शन फिजिबल नहीं लगा और फाइनल ऑप्शन यही किया मैंने कि अपने क्रैश गार्ड को ही मैं मॉडिफाई करता हूँ। तो ये थी मेन मेरी रिक्वायरमेंट। चलिए अब पहले देख लेते हैं इसको मॉडिफाई कैसे करा मैंने और क्या क्या इसमें प्रोसेस लगा है, उसके बाद बात करते हैं इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, और कितने पैसे मेरे टोटल इसके ऊपर लगे हैं। तो जी ऐसा कुछ है अभी जाना का क्रैश गार्ड हमारा, तो अभी इसको मॉडिफाई करने वाले हैं हम। तो इस क्रैश गार्ड को बेसिकली इस तरह से हमें कुछ मॉडिफाई करने का आइडिया था कि, और ये आइडिया ये था कि मेरे को माउंट करनी जेरी कैन या फिर जो हमारे क्रैश गार्ड बैग्स आते हैं, जो यूजली हिमालयन या KTM या जो बड़ी बाइक्स आते हैं जिनके टैंक प्रोटेक्टर भी आते हैं उनमें लगता है। तो ऐसा अभी तक कोई क्रैश गार्ड अवेलेबल नहीं है मार्केट में जिन पे बाय डिफ़ॉल्ट ये लग जाए, एक्सेप्ट लूविया जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 7,000 रुपीज़ है, और उतना मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना था दोबारा से। तो मेरे को एक आइडिया आया कि चलो क्यों ना अपने ही क्रैश गार्ड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करा लेते हैं, मेरे को ऑलरेडी पता है कैसे पाउडर कोट कराना होता है दोबारा से। तो इस काम के लिए हम लोग गए थे वापस से किशन के पास, जो उसकी शॉप है करोल बाग में, बट आजकल ये बिज़ी रहते हैं, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि बिना कॉल करे आप लोग जाएं इसके पास कुछ काम कराने के लिए। और इसके लिए मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया है वीडियो में ही कैसे क्या करवाया है, और ये कोई मतलब ऐसा पहले से फिक्स नहीं था कि ऐसे ही बनाना है। तो जब चीज़ें होती चली गई, हम लोगों ने आइडिया लगाया कि अब ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, तो बेसिक जो क्रैश गार्ड मॉडिफिकेशन थी वो हो गई थी। उसके बाद जो बचता है कि जेरी कैन को कैसे माउंट किया जाए फ्यूचर में, अगर मेरे को माउंट करनी है, बैग लगाना भी एक आइडिया था कि बैग भी लगाएं और जेरी कैन एक दूसरा था कि जेरी कैन भी लगाएं, तो मेरे को चाहिए थी दोनों चीज़ें। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हमें लगा हिमालयन के जेरी कैन माउंट, जो किशन के पास उस टाइम अवेलेबल थे, तो हमने उसी को यूज़ करते हुए दो पत्तियाँ वेल्ड करा दी उसके अंदर, जिसकी वजह से दो पाइपों पे मेरा वो माउंट अटक जाएगा और नीचे नट के साथ वो टाइट भी हो जाएगा, और जेरी कैन माउंट होने के बाद उसको कोई निकाल भी नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे चीज़ें चलती गई वैसे वैसे हमने आइडियाज़ लगाए और वैसे वैसे ये फाइनलाइज़ हो गया। तो ज़्यादा लंबी वीडियो को ना खींचते हुए मैं आप लोगों को इसका फटाफट फाइनल लुक दिखाता हूँ, कैसे क्या हुआ सब दिखाता हूँ, और फिर आगे इस पे फाइनल आगे रीपेंट कैसे करना है और कितनी कॉस्टिंग आई आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। तो जी ये है अपना फाइनल लुक क्रैश गार्ड का मॉडिफिकेशन के बाद, जिसमें मजबूती से काम हुआ है पूरा, और दोनों साइड ये मेक श्योर किया गया है कि भाई कहीं से भी गिरने पे बाइक ये अंदर की साइड टैंक को डैमेज ना करे। तो अभी आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसको रीपेंट करने का। तो जी ये हैं हमारे मॉडिफाइड जाना के क्रैश गार्ड। तो अभी पेंट उतारने के लिए एक्चुअली मेरे को कोई बाज़ार में मिला नहीं पेंट उतारने वाला, मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही कर ले जाए।
तो इसके लिए मैं एक पेंट रिमूवर बॉटल आया हूँ और जितना काला काला था इस पर लगा दिया है। इसे हो कह रहा उतर तो रहा है घिसाने पे, बट अभी पपड़ियाँ नहीं बनी हैं तो इसको लगा के छोड़ना पड़ता है आधा घंटा करीबन, ताकि ऊपर का पेंट है वो जितना गल जाए। अभी लगाया है, छोड़ दिया है मैंने, देखते हैं। बट मेरे को लग रहा है थोड़ी मेहनत लगेगी इसके ऊपर, लेट्स सी क्या होगा। तो कुछ DIY करते हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है मेहनत। थोड़ा कंसर्न होगा कि पिछली बार जैसे मैंने ग्राइंडर से घिसवा के उतार लिया था पेंट, वैसा क्यों नहीं करवा रहे। देखो वो एक अलग चीज़ थी, उसमें केवल एक चकोर ही था जितना घिसाना था, बट इसमें बहुत मोड़ तोड़ जोड़ है। तो जो ग्राइंडर वाला था वो भी मना कर गया कि भैया इस पर घिसाना बहुत मुश्किल काम है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसने साफ हाथ खड़े कर दिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि भाई पेंट रिमूवर लाओ और खुद ही उतार लो। आपको जैसा भी प्रोसेस चलेगा मैं आपको साथ ही साथ दिखाता रहूँगा, और उसके बाद हम इसको पाउडर कोट करना देखे आएंगे। दूसरा कोट, और ये देखो सूख ही गया और कुछ नहीं हुआ इसमें। सिस्टम गड़बड़ है। तो जी देखो थोड़ा थोड़ा तो उतर गया, बट ये है फेड हो गया पाउडर कोट, लेकिन वो वाली बात नहीं बनी क्लियर वाली। तो अभी देखते हैं, तो इसकी रबिंग करवाते हैं या इसको जलवा देंगे और उतार देंगे पुराना पूरा। अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट में ही, देखते हैं जो भी होगा आप लोगों को साथ के साथ इसका पूरा प्रोसेस बताता रहूँगा। तो जी फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग इस पेंट को जलवाएंगे, क्योंकि मार्केट में मैंने बहुत फ़ोन मिलाया जो लोग भी रीपेंट करते हैं NCR में, मैंने सबको पाउडर कोट वालों को फ़ोन किया, बट किसी के पास भी केमिकल से इसको उतारने का सोल्यूशन नहीं था। इसका एक सोल्यूशन था सैंड ब्लास्टिंग, बट कोई सैंड ब्लास्टिंग छोटे प्रोडक्ट पे करने वाला मेरे को मिला नहीं जो ऐसे जॉब कर दे। बट आखिरी ऑप्शन सब लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इसको जलवा दो, जलाने से ये पेंट जल जाएगा और मेटल पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जलाना भी मल्टीपल होता है कि यार आप आग में डाल दो इसको, तो लोगों ने सजेस्ट किया आप किसी भी गैस वेल्डर के पास जाइए, वो बिट होती है जिससे ये जला रहा है उससे ये जला देगा इसको अच्छे से और सारा पेंट आपका उतर जाएगा बिना किसी मेहनत के। और उस पर मेरे को टोटल कॉस्ट आया 200 रुपीज़, जो नॉर्मल है 100 रुपीज़ में भी हो जाता। तो जी दोनों पेंट होके आ चुके हैं हमारे, और उतरवाने वाला सीन था जो, तो फिर मैंने दिखाया ही है कि जला के उतारना पड़ा इनको लास्ट में। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है, मेरे को उम्मीद नहीं इतनी अच्छी आएगी। एक बार लगाते हैं और फिर मैं आपको बाहर ले जाके इनको दिखाऊंगा कि एक्चुअल लाइट में फिनिशिंग कैसी आई है। 20 मिनट में अंधेरा बहुत है तो पता नहीं लग रहा। मेन टाइम मैंने अपने पुराने लगाए हुए थे, ये मैंने फेंके नहीं थे ना बेचे थे, तो इस केसेस में मेरे काम आ गए। जस्ट इन केस बाइक गिरती है तो रेडिएटर को कुछ नहीं होगा, तो फटाफट इनको लगाता हूँ फिर बाहर चलते हैं। तो जी ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन की लुक आ रही है हमारे जाना की क्रैश गार्ड की, जो अब जाना का क्रैश गार्ड नहीं रहा है ना ही लोपिया का है, तो दोनों का मिक्सचर है। आपको कमेंट में बताना है कैसी लगी मॉडिफिकेशन, पेंट क्वालिटी कैसी लगी और इस क्रैश गार्ड का हम क्या नाम दें। तो जी आप लोगों को पता लग गया कि इसको कैसे मॉडिफाई करना है, अब बात करते हैं हम इसकी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो पहली एडवांटेज जो है इसके ऊपर, बैग भी माउंट हो सकते हैं प्लस जैरी कैन भी माउंट हो सकती है। और दूसरी एडवांटेज ये है कि अगर आपको जैरी कैन नहीं यूज़ करनी है तो आप जैरी कैन माउंट्स को उतार सकते हैं ताकि वो चोरी भी ना हो और एक लुक क्लीन आए बाइक के ऊपर। तो यहाँ पे जैरी कैन कैसे माउंट होंगी, यहाँ पे क्लैंप है जिसकी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगा, और ये दोनों नटों से यहाँ पर टिक जाएगा और टाइट हो जाएगा, और उसके ऊपर अपनी जैरी कैन के साथ जो माउंट आएंगे उसके ऊपर आप टाइट कर सकते हैं, और ये दोनों नट हैं जब आप जैरी कैन लगाएंगे उसके पीछे छुप जाएंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा कि कुछ अलग से ऑप्शन है। और जब आप जैरी कैन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको उतार सकते हैं और बस ये दो नट टाइट करके छोड़ सकते हैं बाद में रीयूज़ करने के लिए। अगली एडवांटेज ये है कि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी बैग्स माउंट करने की वो फुलफ़िल हो रही है, और ये पहला ऐसा क्रैश गार्ड है जिसके ऊपर कोई भी फ्रेम बैग हिमालयन KTM या किसी भी बाइक का फ्रेम बैग माउंट हो जाएगा विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, क्योंकि डोमिनार के लिए ऐसा कोई फ्रेम बैग आता नहीं है, बट ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि कोई भी फ्रेम बैग इसके ऊपर इजिली माउंट हो जाएगा। चाहे तो आप सैडल बैग भी माउंट कर सकते हैं, ये इतना बड़ा है और इतने सारे इसमें ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं माउंटिंग का।
तो जी इसका जो अगला बेनिफिट है ये है कि ये एक तरह की टैंक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है आपको जब गिरते हो। तो अभी तक केवल इंजन तक की प्रोटेक्शन थी, ऊपर टैंक के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। तो ये एक टैंक की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है अपने आप में, और जब आप गिरोगे तो चांसेस हैं कि टैंक पे भी कोई डैमेज नहीं आएगा। बट ये अपने आप में एक डिसएडवांटेज भी है, अगर आप बहुत ज़ोर से गिरते हो और चांसेस है कि कोई ऐसी चीज़ लग जाए जिसकी वजह से केवल यहाँ यहाँ इम्पैक्ट आ रहा है और ये किसी तरह अंदर बैंड हो जाए, तो ये अपने आप में एक डिसएडवांटेज भी बन सकती है कि क्या पता उस चीज़ से आप बचने वाले थे और ये इसकी वजह से टैंक डैमेज हो जाए। बट उसके चांसेस बहुत कम है, और इस चीज़ को बहुत मजबूती से बिल्ड किया गया है कि ताकि ये अंदर की तरफ ना जाए। बट वो दिमाग में एक मेरे अभी भी डिसएडवांटेज है उस चीज़ की। एक अगली डिसएडवांटेज है मेरे लिए, है वो सबके लिए हो ना हो, कि जब आप दोबारा से आप पाउडर कोटिंग कराते हैं कई बार सही से नहीं होती है। जैसे कि ये एक यहाँ से मेरी उतर गई है और एक मेरी यहाँ से भी उतर गई है कहीं से, जैसे यहाँ से उतर गई है। ऑल्दो मैंने जिस पर्सन से पहले पाउडर कोटिंग करवाई हुई है इसके ऊपर मेरी पहले से हो रखी है और वो काफ़ी अच्छी है, कहीं से भी नहीं उतरी है। तो हो सकता है उस टाइम कोई सॉल्यूशन लगाने में इशू रहा हो। मेरी छोटी सी मॉडिफिकेशन क्रैश गार्ड की, वन ऑफ द यूनिक मॉडिफिकेशन जो अभी तक किसी ने नहीं की है। इसके ऊपर मैंने टोटल पैसे लगाए हैं सब कुछ लगा के 2000 रुपये, जिसमें मेरा पाउडर कोट भी इंक्लूड है, पुराने पेंट को जलाना भी इंक्लूड है, मॉडिफिकेशन भी इंक्लूड है, जेरिकैन माउंट भी इंक्लूड है। अगर मैं जेरिकैन माउंट नहीं लेता तो मेरे 500 से 600 रुपये वहाँ पे भी बच जाते, लेकिन मैंने उनको लेना वर्थ ही समझा, क्योंकि अगर मैं आफ्टर मार्केट जाता हूँ तो वही जेरिकैन माउंट आपको 1000-1500 से नीचे नहीं मिलते हैं, जो मेरे को केवल 500 से 600 रुपये में मिल गए थे। तो इसलिए मैंने उनको लेना सही समझा और उनको अभी मैंने उतार के रखा हुआ है ताकि वो चोरी ना हो जाए, क्योंकि अभी नियर फ्यूचर मैं जेरिकैन माउंट नहीं यूज़ करने वाला हूँ और मैं इनके ऊपर फ्रेम बैग यूज़ करने वाला हूँ, जो आपको आगे आने वाली फ्यूचर्स वीडियो में पता लगेगा। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी वर्थी या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।